नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक्स आपको पहले पढ़ाए गए हैं उन टॉपिक के बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे अकाउंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि टैली के 28 ग्रुप में एक एक ग्रुप्स के बारे में आपको बताया जा रहा है जो अकाउंट्स में डेली रूटीन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कोई भी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पुराने वीडियोस का जो भी इंफॉर्मेशन उसको लिंक पर देखिएगा, सारे कुछ आपको वीडियोस जो 28 ग्रुप अभी आपने नहीं देखा है, क्योंकि ये भी जब अकाउंट्स आप काम करना चाहेंगे, टैली पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इन ग्रुप का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो या किसी जगह आप काम करने जाते हो तो सबसे पहले इंटरव्यू से रिलेटेड इस 28 ग्रुप से नेचर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मिस मत करिएगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आज स्टार्ट करिए नए टॉपिक के बारे में, टैली का एक अगला ग्रुप जिसका नाम है ब्रांच एंड डिविजन। तो स्टूडेंट, ब्रांच एंड डिविजन जो ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये ब्रांच एंड डिविजन टैली का एक ऐसा ग्रुप होता है जो ज्यादातर इस्तेमाल बड़े कंपनियों में किया जाता है। बड़े कंपनियों के केस का मतलब कि जहां पे एक कंपनी से कई सारे शाखाएं, कई सारे ब्रांचेज होते हैं, वहां पे इस ग्रुप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि एक फर्म या छोटा सा दुकान, बड़े जो सिंगल दुकान है या सिंगल शॉप है आपका, तो वहां पे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां पे कई सारे ब्रांचेज हैं, कई सारे आपके शाखाएं हैं, वहां पे इन ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है देखिएगा। स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि आपका ये ब्रांच एंड डिविजन, ब्रांच का मतलब शाखा, डिविजन का मतलब ऑडिशन होता है। यहाँ पे आपका जो एक ब्रांच दिखाया गया है, ये हेड ऑफिस हमारा, सपोज कीजिए कि विजुअल इफेक्ट का एक मेन ब्रांच है जो कहाँ पे स्थित है, चेकन पे है। अगर इस ब्रांच में हम जो कुछ, सपोज कीजिए इसके दो ब्रांच मैंने ऑर्गेनाइज किया, एक ब्रांच मैंने रखा हुआ सिगरा पे, एक ब्रांच मैंने डाला हुआ यानी एक है चेकन पे, तो जो मेन ब्रांच है तो जो भी इस ब्रांच, सेकेंड ब्रांच या फर्स्ट ब्रांच पे जो भी कुछ आता है, यानी जो पैसे जा रहे हैं, जो भी एसेट्स जा रहे हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं, हेड ऑफिस से जा रहे हैं, यानी मेन ब्रांच से जा रहे हैं। तो जो भी हमारे अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का जो ग्रोथ, अगर आप सपोज कीजिए कि हमें मेन सेकेंड ब्रांच का लेजर ऑफ हेड बनाना है या सेकेंड फर्स्ट ब्रांच का लेजर हेड बनाना है, तो जो ब्रांचेस का नेचर ऑफ अकाउंट जो ग्रुप बनाएंगे, ये सपोज कीजिए कि हमारा सेकंड ब्रांच है, इसका जब लेजर बनाएंगे विजुअल इफेक्ट सेकंड ब्रांच, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, ब्रांच एंड डिविजन। सपोज कीजिए ये सेकंड ब्रांच हमारा है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट बनाते हैं, इसका हेड क्या होगा, ब्रांच एंड डिविजन। इसका मतलब होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब एक कंपनी जो आपका काम करते हैं, अगर दूसरे कंपनी में, यानी जो एक शाखाओं से दूसरे शाखाओं में सामान आता है, जाता है, मेन ब्रांच से सेकंड ब्रांच में जाता है, तो उन क्या जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच एंड डिविजन। तो ये हमारा आज के टॉपिक है। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।